कितने लोग इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ था, और ये असंवैधानिक है, ये है हमारा दूसरा बड़ा चिंता है। जो सरकार ये कहीं से भी मुस्लिम हितैषी नहीं, और मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाले सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपने संविधान को किस तरह से ओवर रूल किया, आर्टिकल 13-14 का वायलेशन कर दिया। यूनियन मिनिस्टर इज टोटली मिसलेड द हाउस, टोटल अनट्रूथ एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। देखिए, बात यह है कि इस विषय के आप सुन सकें कि कम से कम दो राय, बहुत लोग बात किए, और ऐसे भी और लोग थे जो बोलना चाहते थे और उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि इतने लोग इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ था, और ये असंवैधानिक है, ये है हमारा दूसरा बड़ा चिंता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कमेटी के अंदर चर्चा होनी दीजिए, फिर हम तय करेंगे। देखिए, मैंने प्रयास किया था कि मुझे मेरी बात रखने का मौका मिले, और मैंने इस पर बहुत ज्यादा आवाज भी उठाई। पहली चीज ये कि जब वो प्रस्तुत किया गया तो हमें, जब चर्चा में हमने कहा तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये जो है कमजोर वर्गों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट में दबाई जा रही है, ये अच्छा नहीं है। हमें जनता ने चुन के भेजा, हम किसी के दया पे यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जब ये बिल प्रस्तुत हुआ और उसको पुरस्थापित करने के लिए कहा गया, तब हमने इस पर डिवीजन की मांग की, हमने और हमारे साथियों वैसे जी ने, तमाम लोगों ने मांग की कि भाई इस पर डिवीजन हो। लेकिन पार्लियामेंट को ओवर रूल करके जो है, और उसको जो है उस पर उसको जेपीसी में भेजा गया। सवाल ये है, मेरे आज भी याद है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि किसी भी जज द्वारा जो फांसी की सजा सुनाई गई, अगर उसके पीछे उसकी नीयत हटा ली जाए तो उस जज में और हत्यारे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मैंने पार्लियामेंट में सुना, सरकार ने कहा, स्पीकर भी थे और सरकार के मंत्री भी बोल रहे थे, सरकार के एमपी भी बोल रहे थे कि हम अगर सरकार में आए तो विचारधारा के आधार पर सरकार में आए हैं, तो जिन महान पुरुषों की विचारधारा को हम लोग मानते हैं उन्हीं के अधूरे लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या सरकार, हमें सोचना है बिना डर के, मैं कह रहा हूँ, क्या सरकार मुस्लिम हितैषी है? सरकार का एक कोई कानून मुस्लिम हितैषी बना है? सरकार ने एक भी योजना मुस्लिम हितैषी बनाई? आपने एजुकेशन का बजट किया, मौलाना अब्दुल कलाम जो है वो योजना थी, फेलोशिप थी, वो आपने बंद कर दी, तमाम मदरसों के एड आपने ख़त्म कर दिए, कोई उर्दू भर्ती आप लोग करा नहीं रहे हो। तो ये जो सरकार, ये कहीं से भी मुस्लिम हितैषी नहीं, और मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाले सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपने संविधान को किस तरह से ओवर रूल किया, आर्टिकल 13-14 का वायलेशन कर दिया, 25 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार है उनका वायलेशन कर दिया। आप संविधान विरोधी काम करोगे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ रहेंगे, ये तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। कल कोई आके खड़ा कर देगा, आपने जो है सर्वे जो है कमिश्नर को नजरअंदाज कर दिया, आपने ये सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, जिलाधिकारी को दे दी। आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हमने सरकारें देखी है, जिलाधिकारी वो है जो सत्ता के हिसाब पे कार्य करता है, सत्ता के आधार पे कार्य, सत्ता के ऑर्डर को मानता है। जब ये सब होगा तो कैसे न्याय मिल जाएगा? तो सरकार बहुमत में है, सरकार उसको पास करा सकती है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन गलत अगर कुछ होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ये न्याय नहीं हुआ है, ये दमन हुआ है, और इस दमन का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जेपीसी में जब ये कमेटी बनेगी तब भी हम लोग अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी दर्ज कराएंगे, और जो सरकार ने आज जो दमन करने का प्रयास किया है, स्पेशली मुसलमानों का, मैं कह रहा हूँ जैनों के लिए क्यों नहीं किया आपने? जैनों के देखिए, उनके तीर्थांकरों किस तरह लूटा जा रहा है, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, आप उनके लिए भी जो है अल्पसंख्यक बोर्ड बना देते। लेकिन आपकी निष्ठा क्या है? आपकी निष्ठा यह है कि मुसलमानों को कमजोर किया जाए, इस निष्ठा से आप काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा बंटवारे के रूप में हमने पहले भी महसूस किया है, और पहले ये दर्द सहा है देश ने। मैं नहीं चाहता हिंदू मुसलमान तमाम तरह पॉलिटिक्स मुद्दों की पॉलिटिक्स हो, और आप इतने हितैषी तो बताओ, आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुस्लिम, कितने मुसलमानों को मंत्री बनाया, कितने आप, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, शायद एक भी इंस्पेक्टर चार्ज पर नहीं है मुसलमान, मुझे लगता है एक भी एसएसपी जो है चार्ज पर नहीं होगा मुसलमान। तो सच ये है कि आपकी नीयत क्या है, आपके और आपकी नीयत से स्पष्ट होता है कि आपकी नीयत मुसलमानों के पक्ष में नहीं। वो बिल्कुल अपनी पीड़ा रख रहे हैं, और हमने कहा ना, डिवीजन की मांग हमने इसलिए की कि पूरे देश को पता लगे कौन किसके पक्ष में खड़ा है। और हम ये कहते हैं, ये अगर किसी पे भी जुल्म किया जाएगा, अल्पसंख्यक पे, मुसलमान पे, कमजोरों पे, जैन पे, सिख पे, बौद्ध पे, महिलाओं पे, तो हम उनकी आवाज उठाएंगे। हमारी भी डिमांड थी कि इसको जेपीसी में रखा जाए। जिस तरह से हड़बड़ी में ये सरकार इस बिल को लेके आई है, बिना रिसर्च किए हुए, बिना अपनी तैयारी पूरा किए हुए, तो मुझे लगता है मंत्री महोदय भी कंफ्यूज थे और सरकार भी कंफ्यूज थी। जिस तरह से ऑपोजिशन जो प्रश्न उठा रहे थे उसका उनके पास जवाब नहीं था,
और एक बार कमेटी के पास गई तो हमारा भी डिमांड था, कमेटी के पास गई, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा नहीं हुई है, कोई राज्यों से इस पर चर्चा नहीं गई है, जो मेंबर्स हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज, जो सरकार कह रही है या दावा कह रही है कि हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत लोगों से बुला के बात की, लेकिन ऑपोजिशन को ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह से बात की गई। अगर बात की गई होती और एक ठोस कुछ निकल के आता तो आज ये बिल पास हो जाता, लेकिन खुद ही सरकार कह रही है कि इस बिल को कमेटी के पास भेज दिया जाए। नहीं, जीत नहीं है ये, देखिए हमारा कहना है क्योंकि देश में अगर इस तरह की एक वक्त बोर्ड एक चल रही है और माइनॉरिटीज के लिए खास तौर पे ये वक्त बोर्ड है, तो जो उनके लिए अच्छा हो, माइनॉरिटीज के लिए जो अच्छा हो, वो यहाँ सदन से वो पास हो। असल में इस पर विस्तृत बातचीत बहुत आवश्यक है, विवेचन आवश्यक है, और इसमें नीचे से भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय भी लेना आवश्यक है। यदि ये इतना कल्याणकारी है कि वक्फ के हित में है और माइनॉरिटीज के हित में है जिनके लिए वक्फ बनाया गया है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या है? आप उसको किसी पैनल को भेज दीजिए, वो पैनल स्क्रूटनाइज कर लेगा, सभी अपनी राय ले लेगा, एक सहमति बनाने का प्रयास भी हो जाएगा। देखिए, हम लगातार इनसे कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज है या संवेदनशील मामलों में आप जो है सभी पक्षों की राय ले लीजिए, जो स्टेक होल्डर्स उनकी राय ले लीजिए, आप अपनी राय को थोपिए मत। आज जो पूरी लड़ाई है वो जो थोपने का एटीट्यूड है, आप अपने सिद्धांतों को भी थोपना चाहते हैं। प्लीज, देयर इज बीन अ हाफ ए पॉजिटिव मेजर, बट स्टिल द गवर्नमेंट्स मोटिव्स आर मेलिशियस एंड सस्पेक्ट, बट लेट द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बी फॉर्मड एंड आई एम श्योर let the constitution of the committee be made, let's see who's in the committee, and let's discuss all the issues in the committee. I mean, all contentious legislation must go to committee. But sir, the union minister said that earlier the findings and the that is not, this is, we have not had a detailed debate as yet, so we have not had a detailed discussion. Only in committee can we go through clause by clause the pros and cons of everything, the history, the genesis, and the redundancy and the efficacy of everything can only be checked in a committee and not merely in the floor of the house in a perfunctory discussion. Union minister is totally misled the house, total untruth and misleading statement from his side, quite unfortunate, but anyway it is going to the joint parliamentary committee, let us fight the nahi ho gaya ye jo waqf amendment bill ka ji zikr ho aapne kiya wo सरकार ने शायद इस मामले में कुछ हद तक समझदारी का परिचय किया, उन्होंने महसूस हुआ कि इसकी सेलिंग आसान नहीं होगी, ये बहुत ही मुश्किल होगा काम, क्योंकि बहुतों का मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे फ्रेंड्स जो बातें कर रहे थे और माइनॉरिटीज के लिए इतना दर्द जाहिर कर रहे थे कि हम उनके भले के लिए कर रहे हैं, जबकि उनके पास माइनॉरिटीज के नाम पर, खासकर मुस्लिम समुदाय के नाम पर एक भी MP नहीं है, एक भी कोई प्रवक्ता, 1% भी कोई प्रवक्ता, वक्ता, अधिवक्ता, नेता, कोई भी इनके पास 1% भी नहीं है। उसके बाद ये बिल लेकर आए, कोशिश की, और उसमें ऐसा लगा कि ये बिल बहुतों की नज़रों में ये इनक्रोचर्स के लिए या लैंड ग्रैबर्स के लिए ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। ऐसी क्या जल्दी थी और ऐसा कौन सा वक्त था जो अभी आपने रेल भेल सेल के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन को भी उनकी नजरों में हथियाने का काम कर रहे हैं, अपने अधीन करने का काम कर रहे हैं, और उसके जो रखेंगे उसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हैं और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी, क्यों अयोध्या वाले में आपने कोई नॉन मुस्लिम कोई मुस्लिम मेंबर रखा है क्या? तो ये सब बातें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सेलिंग आसान नहीं होगी, इसलिए समझदारी का, कुछ हद तक समझदारी का ऐसे मौके पर सरकार ने खुद ही कर दिया कि सेकंड थॉट के बाद जो पहला थॉट होना चाहिए था उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। अब बहरहाल अब इसकी चर्चा के बाद, गहन चर्चा के बाद जब भी ये बिल आएगा उस वक्त देखा जाएगा। मैं समझता हूँ हंगामा बहुत होगा और इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों का मानना है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कितने सारे चीज़ों को बेचने के बाद अब जो है नजर लगी है वक्फ बोर्ड पे, ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए जब आएगा, अब तो कब आता है। There was a crack also seen in the part of LDA because some of the allies also wanted to do this.
So is this being done on the pressure of the opposition parties or from the pressure from the NDA allies? No, that I don't know. Actually, our demand was, India Bloc demand was the standing committee to look after this Wakaf Board Amendment Bill. But they sent it to joint committee without consultation of the opposition. So do you... The business, yesterday's Business Advisory Committee, we demanded for the demands, for, send it to standing committee. So somebody suggested select committee. The joint parliamentary committee never discussed in the BSC. But today the government is announced the joint parliamentary. देखिए भारत एक धार्मिक देश है, हर धर्म का सम्मान होता है और हर धार्मिक मामले में जो हर मामले में जो आस्था से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत नाजुक होता है और इसलिए हम बार बार ये मांग कर रहे थे इस सरकार के साथ कि इसमें जल्दबाजी ना करें, लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वास्तव में किसी का उपकार करना इनकी मंशा नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, तुष्टिकरण। आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में जो निर्वाचन में इनकी डूबती हुई सरकार को बचाना, उस उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है और इसीलिए इस प्रकार का धर्म का जो ये राजनीति करते हैं इसके विरोध में हमने अपनी बात रखी। आस्था का मामला है और इसीलिए पार्लियामेंट कमेटी में जाकर वहां पे इस पर चर्चा हो, यही हमारी मांग थी।